हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं गणपति स्थापना की शुरुआत कैसे हुई। फ्रेंड्स, हम सभी हर साल गणपति की स्थापना करते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो गणपति को बैठाते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसे मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है, लेकिन लिखना उनके वश का नहीं था। अतः उन्होंने श्री गणेश जी की आराधना की और गणपति जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। गणपति जी ने सहमति दी और दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। इस कारण गणेश जी को थकान तो होने ही थी। गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं, इसलिए वेदव्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को श्री गणेश की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इस कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। महाभारत का लेखन कार्य 10 दिनों तक चला। चतुर्दशी को लेखन कार्य संपन्न हुआ। वेदव्यास ने देखा कि गणपति का शारीरिक तापमान फिर भी बहुत बढ़ा हुआ है और उनके शरीर पर जो मिट्टी लेप की गई थी वह सूख कर झड़ रही है, तो वेदव्यास ने उन्हें पवित्र सरोवर में डालकर शीतल करने का विचार किया। इन 10 दिनों में वेदव्यास ने श्री गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए। तभी से गणपति स्थापना की प्रथा चल पड़ी और इन 10 दिनों में इसीलिए गणेश जी को पसंद विभिन्न भोजन अर्पित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम सभी श्री गणेश की पूजा करें, 10 दिनों तक उन्हें अलग अलग व्यंजन बनाकर भोग लगाएं और उन्हें प्रसन्न करें और मनवांछित फल पाएं। जय श्री गणेश।